दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवन से सबसे पहले प्रमुख समाचार। उपत्यका में भादव 15 गति धरि थप प्रतिबंध, यात्रा महोत्सव लगायत होटल रेस्टुरा संचालन में रोक। सिंधुपाल्चोक लिदी में आयल भूस्खलन में पैर झपाले 11 गोटे के शनाखत, बेपत्ता 27 गोटे की खोजी कार्य जारी। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित की संख्या 25,500 से पार, हाल 17,077 संक्रमित इलाज के बाद ठीक। आई अगस्त 15 बेलायती उपनिवेश भारत स्वतंत्र भेल दिन, ऐतिहासिक दिन की याद में भारत फिर उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाओल जा रहा है। आई स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लजास्पद हार सहित चैंपियंस लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल से बहराइल, वारियन म्यूनिक आर 2 गोल अंतर से विजयी। आप पूरा समाचार। उपत्यका के तीनों जिला के प्रमुख जिलाधिकारी की संयुक्त बैसार से भादव 15 गति धरि विभिन्न गतिविधि में प्रतिबंध लगाने शुक्र दिन साँझ बैसल बैसार से प्रतिबंध लगाने गतिविधि सब में खुला स्थान समय आदमी सबके जमघट होनाई, भीड़भाड़ करनाई, सभा जुलूस करनाई, भीड़भाड़ होबे वाला गतिविधि जेहन यात्रा महोत्सव कर नहीं पेबाक पड़े। तहिना उद्योग व्यापार व्यवसाय अंतर्गत के स्वास्थ्य मापदंड विपरीत क्रियाकला सब पावन तिहार लगायत के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम लेल होबे वाला जमघट सब शैक्षिक संस्थान के संचालन करबाक सब प्रकार के सभा गोष्ठी तालीमे रोक लगाल गेल। सिनेमा हॉल पार्टी पैलेस मनोरंजन सैलून ब्यूटी पार्लर स्पा स्विमिंग पूल जिमखाना समूह में खोल जाए वाला खेल पुस्तकालय संग्रहालय चिड़ियाखाना लगायत के क्षेत्र संचालन कर नहीं पाबाक वाले सब। तेना फुटपाथ खोला स्थान सब में ठेला गाड़ा साइकिल में संचालन हो वाला विभिन्न व्यवसाय कबाड़ी संकलन कर वाला उद्योग व्यवसाय संचालन के लिए स्वास्थ्य मापदंड विपरीत श्रमिक कामदार के ओसार पोसार कर टेक अवे बाहेक होटल रेस्टोरेंट संचालन कर सेहो भादव 15 गति धरिक लेल रोक लगाओल गेल। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल रहा कोरोना वायरस महामारी रोकवाक लेल सरकारी निर्णय कार्यान्वयन में कड़ाई कैल गेल। सरकार द्वारा अनुमति बिना उपत्यका प्रवेश कर खोज वाला 19,000 से बेसी आदमी के विभिन्न नाका से घुमाल गेल। संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार मंत्री परिषद से विभिन्न मिति में भेल निर्णय के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय के माथत के सुरक्षा निकाय तथा सब जिला प्रशासन कार्यालय के जरूरी सूचना जारी करते निर्देशन देने सरकार द्वारा काठमांडू उपत्यका भीतर काठमांडू जिला में 5, ललितपुर भक्तपुर जिला में 4-4 अनुगमन टोली परिचालन का अनुगमन तथा कार्यवाही के तीव्र बनाने जानकारी देने। यह प्रकार के अनुगमन टोली परिचालन करक लिए गृह अन्य जिला के समेत निर्देशन देने जानकारी दिल गेल। तहिना सरकार द्वारा अनुमति बिना काठमांडू प्रवेश खोज वाला 19,000 से बेसी गोटे के विभिन्न नाका से घुमाने। लॉकडाउन जारी भेल लगले बृहस्पति दिन धरि 7,635 गाड़ी 19,483 गोटे के नाका से घुमाओल गेल गृह मंत्रालय जानकारी देने। गृह मंत्रालय द्वारा मास्क नहीं लगाकर घूम फिर कर वाला 4,19,538 गोटे के नियंत्रण में सेहो लेने, जाहिमे से 3,54,824 गोटे के समझा बुझा कर घर घुमाओल गेल। 39,507 गोटे के मास्क तक पठाओल गेल। प्रहरी मास्क नहीं लगाबे वाला 25,207 गोटे के जरिमाना सेहो कने। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए 7 बजे भिनसर 7 बजे धरि उपत्यका में प्रवेश में रोक लगने। काठमांडू उपत्यका भीतर 200 से बेसी संक्रमित रहल जिला में जोर बिजोर प्रणाली में सवारी चलाब देवाक, आवागमन के लिए निर्धारण गाड़ी मात्र चलाब देवाक, अनिवार्य मास्क लगाब पड़वाक, व्यक्तिगत दूरी कायम कर पड़वाक लगायतक निर्णय सोम दिन के मंत्री परिषद बैसार कने। वह अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा 77 जिला प्रशासन और सुरक्षा निकाय में सर्कुलर सेहो कने। कोविड-19 के रोकथाम तथा नियंत्रण करवाक कार्य में नागरिक से भरल सकारात्मक सहयोग लेल धन्यवाद व्यक्त करैत आब वाला दिन में सेहो सबसे थप सकारात्मक सहयोग लेल समेत मंत्रालय अनुरोध कने। नागरिक नागरिक सेहो एहन महामारी के समय में थप सजग तथा सचेत होनाई जरूरी देखल जाइत अछि। सिंधुपाल्चो के जुगलदू लिदी में शुक्र दिन आयल भूस्खलन में पड़ 11 गोटे के शनाखत भेल, मृत्यु भेल 11 गोटे के शनाखत सेहो कयल गेल। सब भेटल सब 11 गोटे के पहचान खुलल जिला प्राधिकारी के डीएसपी माधव काफले जानकारी देने। मृत्यु वाला में ट्रिका मायदोंग, सेरिंगदोंग, जिताई झाकरी, मिलंगदोंग, सानुदोंग, जय बहादुर दोंग, दावा लैमोदोंग, तरहालमो दोंग, पितृ दोंग, धनमाया दोंग आ रिमेक्स दोंग रहा। लामा टोल में शुक्र दिन भिनसर 6:30 बजे 30 आयल भेस्किल में पड़कर 27 गोटे एखनो बेपत्ते रहा। हर सबके खोजी कार्य भरल प्रहरी जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
नेपालमै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 25,005 पार भएछ। भाइरस संक्रमण से थप 4 गोटेको मृत्यु भेलगले नेपालमै कोरोना से मृत्यु भएको संख्या 99 पहुँचलेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मोरङ्गा सुरिया 11 12मै 2 गोटेको मृत्यु भएछ। मन्त्रालयका अनुसार हालधेर प्रदेश 1मै 9 गोटे, प्रदेश 2मै 42 गोटे, बागमती प्रदेशमै 18 गोटेको कोरोना संक्रमित छ मृत्यु भएछ। तना गण्डकी प्रदेशमै 6 गोटे, प्रदेश 5मै 12 गोटे, कर्णाली प्रदेशमै 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमै 8 गोटेको मृत्यु भएछ। जाइमेस पुरुष 77 महिलाको संख्या 22 रहेछ। हालधेर 17,077 गोटे डिस्चार्ज भएछ। आइसोलेसनमै 7,913 गोटे संक्रमित इलाजरत रहेछ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधानक लिए 6 सदस्यीय कार्यदल गठन कालि गरेछ। काल्हि प्रधानमन्त्री निवास पालवाटारमै बैसल प्रधानमन्त्री समेत रहल नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको वार्तासँग उक्त निर्णय कालि गरेछ। अध्यक्षले वार्ता महासचिव विष्णु पौडेलकै संयोजकत्वमै 6 सदस्यीय कार्यदल गठन कालि गरेछ। कार्यदलमै जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, भीम रावल, पम्फा भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे रहल जात। यसै पहिले बैसल अध्यक्षको बैसार छ। जल्दी समस्या समाधानको बाटोमा लजबाक विश्वास नेकपाकै दोस्रो तहका नेता सब जनकपुर जलेश्वर भिठामोड सड़क निर्माण कार्य नै समापन होइत टुट लागल। निर्माणधीन 4 लेन सड़कखण्डकै अधिकांश स्थानमै कालोपात्री कलभट पुल निर्माणकै काज बाँकी रहेछ। जनकपुर जलेश्वर भिठामोड सड़क निर्माण कार्य नै समापन होइ टुट लागल। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको निगरानीमै निर्माण भरहल सड़कमै गहिर खद्याखुदी पर्लाबाद सवारी साधन आवागमन सँगै पैदल यात्रुकै सेहो समस्या भरलेछ। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न कर चुकपाक सडक ठेकदारीको लापरवाहीको कारण म्याद बढोला बाधो एखनोधेर निर्माणाधीन अवस्थामै सडक रहेछ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकद्वारा 3 वर्षमै सम्पन्न गरिसकेका 2073 भाद 25 गते सडकै शिलान्यास गर्ने छ। जलेश्वर र भिटामोडको सडक आज 15 वर्षदेखि बन्दै गरेको सडक एकतर्फबाट बन्दै छ, एकतर्फबाट टुटिसकेको छ। ठेकदारले काम गर्न छोडिसकेको छ। अब जनकपुरबाट आउँदाखेरि नै धेरै ठाउँमा टुटेको छ। भर्खरै मधेसका सबैभन्दा ठुलो नेता माननीय मोहन ठाकुरज्यू यही क्षेत्र 3 नम्बर क्षेत्र जलेश्वर यहाँ निरीक्षण गर्न आउनुभएको थियो उहाँ आफ्नो योजनाहरू, तर जलेश्वर र भिटामोड सडकको निरीक्षण किन गर्नु भएन र उहाँ सदनमा किन आवाज उठाउनुहुन्न? यो पुरानो सडकलाई किन जीर्णोद्धार गरिँदैन? किन राम्रो एसफाल्ट कङ्क्रिट राखिँदैन? यसमा ठुलो भ्रष्टाचारी भएको छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ। 93 करोड 43 लाख लागतमा निर्माण भरहल सडक लिएर जनकपुर स महोत्तरीधेर प्रतिभा वाइजेबीकै 9 किलोमिटर 43 करोड 56 लाख आ पर्सास भिटामोड 9.56 किलोमिटर के लिए आशिष पप्पू रोशन जेवी के 49 करोड़ 79 लाख में ठेक्का दिल गया छ। एक वर्ष पहिने अनुगमन समिति के संयोजक इंदु शर्मा द्वारा कमसल सामग्री के प्रयोग मापदंड विपरीत निर्माण गुणस्तरीय निर्माण भेल प्रति सहित के प्रतिवेदन विकास तथा पूर्वाधार समिति के सभापति कल्याणी खड्का के बुझा चुकला बाधो हालदेर कार्यवाही होबन नै सकले छ। अहिले चाहिँ त्यो बाटोहरु काई के खाला खुली परेको छ बुझाखेरि, तर कम्प्लिट गर्न बाँकी छ, उहाँ ठाउँ ठाउँमा पनि कम्प्लिट भएको छैन। त्यो कम्प्लिट भएपछि हामी सबै एकदम राम्रो बनाएर हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई भन्ने खालको चाहिँ यो हाम्रो हुलाकी सडकबाट जो दिशा हुन्छ उहाँबाट मैले कुरा गरेको छु, र फेरि पनि उहाँहरूले त्यो कम्प्लिट गर्ने बेला गर्नुभयो भने त्यस विषयमा हामी फेरि बसेर उहाँहरूलाई हामी सजग गराउँछौँ र तपाईँहरूले पनि यसको फलो गरिरहनु होला। सम्झौताका अनुसार टनकै टन भारी लग 1800 मालवाहक सवारी साधन चल सक्बा कक डिबिएसटी कालोपात्र सहितकै सडक निर्माण हुब परवाक छ, मुदा मापदण्ड विपरीत सामान्य ओटासिल कालोपात्र कयल गेल प्रतिवेदनमे सेहो उल्लेख कयल गेल छ। महतरी नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा कोरोना नियन्त्रणमै सरकारद्वारा उठाउल गेल कदमी सहयोग गर्वाक प्रतिबद्धता जाहिर गर्नेछ। महासंघ तीनू तहकै सरकारद्वारा उठाउल गेल विभिन्न कदमकै सहयोग गर्वाक प्रतिबद्धता सेहो जाहिर गर्नेछ। महासंघ कोरोनाकै कारण नेपाल पिछला बेर बहुतो प्रभावित बनाइदि गेल आ संक्रमित आ मृत्युदरकै समेत क्रम बढ़ल अवस्थामै सरकारको सहयोग गर्वाक बताउनेछ। महासंघद्वारा सर्वसाधारणकै स्वास्थ्य सुरक्षा अर्थतन्त्रमै धक्का लागल अवस्थामै सरकारकै मातृभार नै परेका आफ्नो क्षेत्रमै सहयोग गर सब सदस्यकै आग्रह गर्नेछ। सँगै संक्रमणसँग बचक लेल सरकारद्वारा काल दिल गेल निर्देशनकी सब स्वास्थ्य प्रोटोकलसँगै पालना क अपन स्वास्थ्यकै ख्याल क आम सर्वसाधारण समक्ष महासंघ आग्रह सेहो कनेछ। मैथिली समाचारमै छोट विश्राम। मैथिली समाचारमी आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
हरेक वर्ष अगस्त 15 तारिखमै भारतमै स्वतन्त्रता दिवस मनाउल जाँदैछ। सन् 1947 अगस्त 15 तारिख भारत बेलायती उपनिवेश स्वतन्त्र भएल छल। या ऐतिहासिक दिनकी यादमी कक भारतभर आई उत्साहको साथ भारतीय स्वतन्त्रता दिवस मनाउल जा रहेछ। स्वतन्त्र भारतको लागि सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गान्धी लगायतका नेता सब अहिंसात्मक प्रदर्शन नागरिक अभिज्ञाकै माध्यमसँग स्वतन्त्रता प्राप्त सङ्ग्रामकेला बाद भारत स्वतन्त्र भएल छल। भारतकै स्वतन्त्र बनाव बनल विधान इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947 बेलायती संसद पारित कक इन्डियन कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली भारतकै संसदीय सम्प्रदा प्रदान गर्न छल। भारतद्वारा संक्रमणकाल पार कक संविधान जारी नै गरेको समय धेर बेलायती राजा जर्ज छठम भारतकै राष्ट्र प्रमुख छलाह। संविधान मार्फत बनल भारतीय संविधान 1950 जारी भेला बाद भारतद्वारा पूर्ण रूपमै स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न छल। स्वतन्त्रतावाद भारतीय नागरिक राजेन्द्र प्रसाद गणतन्त्र प्रथम भारतकै प्रथम राष्ट्रपति या जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमन्त्री बनल छलाह। भारतीय स्वतन्त्रता दिवसके अवसर पर भारतभर झण्डा तोलन कक परेडके आयोजना गरेके सँगै प्रधानमन्त्री बसे देशवासीक नामे सम्बोधन करवाएको चलन सेहो रहेछ। आव खेलकुद समाचार। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना लजास्पद हारसहित च्याम्पियन्स लिग फुटबलकी क्वार्टर फाइनलले सब बहराइलेछ। लिस्बोनमै शुक्रति नाइत भेल अन्तिम 8 खेलमै बार्सिलोना जर्मन बुन्डेस लिगा क्लब वारेन म्युनिक्स 8 गोल लक स्तम्भ बनल छ। वारेन लियोन मेस्सी कप्तानीकी बार्सिलोनाकी 8-2 पराजित सेहो कनेछ। 4 मिनटमै गोलकी खाता खोल्ने वारेन म्युनिक 79 मिनटमै 8 गोल गरे छल। बार्सिलोनाकी लेल लुइस स्वारेज 57 मिनटमै 1 गोल घुम्ने छल। अहिले पनि 7 मिनटमै वारेनकी डेभिड अलावाला आत्मघाती गोल सेहो गरे छल। वारेन म्युनिकका लेल थोसस मुलर र फिलिप कोन्टीहट 2-2 गोल गर्ने छल। मुलर 4 तथा 31 तथा कोन्टीहल 50-79 मिनटमै गोल गर्ने छल। इभान पेरिस 21 मिनटमै, सर्गेई ग्याब्री 27, जोसुवा किमिस 63 तथा रोबर्ट लेभान्डोस्की 82 मिनटमै गोल गर्न छलाह। पहिलो हाफमै 4 गोल गर्ने वारेन दोस्रो हाफमै सेहो 4 गोल गर्न छलाह। वारेनकै सामु बार्सिलोना बहुत निरीह देखल गेल छल। वारेन म्युनिक बार्सिलोना विरुद्ध च्याम्पियन्स लिगमै 5 बहुत गोल करबला पहिलो टिम सेहो रहेछ। बार्सिलोनाको लागि हार मात्र नै भएको अपमान सेहो रहेछ। 1951 इम्हर बार्सिलोना पहिलो बेर 6 बेसी गोल अन्तरसँग पराजय भएछ। ओइकले सन् 1951 बार्सिलोना स्पेनियोलेसँग 6-0 पराजित बनल छल। तेनाको सन् 1946 इम्हर पहिलो बेर बार्सिलोना एकै खेलसँग 8 गोल खनाएछ। सन् 1946 सेभिला बार्सिलोनाकी 8-0 पराजित गर्ने छल। समाचारकन्तमै प्रमुख समाचार सब फेर सिकबेर। उपत्यकामै भाद 15 गते धरि थप प्रतिबन्ध, जात्रा महोत्सव लगायत होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमै रोक। सिन्धुपाल्चोकके लिदिमी आयल भूस्खलनमै पर झपाल 11 गोटेके शनाखत, बेपत्ता भेल 27 गोटेके खोजी कार्य जारी। नेपालमै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 25,500 हालदै 17,077 संक्रमित इलाज बाँकी। आई अगस्त 15 बेलायती उपनिवेश भारत स्वतन्त्र भएल दिन ऐतिहासिक दिनकी यादमै भारतभरि उत्साहकै साथ स्वतन्त्रता दिवस मनाउल जा रहल। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना लजास्पद हारसहित च्याम्पियन्स लिग फुटबलकै क्वार्टर फाइनलसँग बढाइल, वारेन म्युनिक 2 गोल अन्तरसँग विजय। एखनुक लेल मैथिली समाचार अथवा अपने जनता टेलिभिजनके कार्यक्रम सब युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, हाम्रा वेबसाइट जनता समाचार .com सेहो पढि देखा सुन सकै छी। सूचनामे अपने सबक सहभागिता, समयमे समाचार, हाम्रा सुप्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग बचबाक लेल नियमित हात धो, भीडभाड सल्लाह, घरमै सुरक्षित रह वा परिवारकै सेहो राखु। नमस्कार।